हाँ भाई, कैसे हैं? स्कोर रिवीजन मोस्ट अवेडेड, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर हम लोग हेलोजन फैमिली पढ़ रहे थे और हमने Cl2 गैस तक कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं और वह है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaOCl Cl, जहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर एक स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट तो है ही सी, और एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। क्या बोला जल्दी बताओ? ब्लीचिंग एजेंट तो है ही सी, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो इंग्रेडिएंट है अगर, तो वो ये है नेसेंट ऑक्सीजन। और कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल है? ये सवाल आ चुका कई बार एग्जाम में कि ब्लीचिंग पाउडर के अंदर जो है वो कौन सा ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो ब्लीचिंग एक्शन के लिए या ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर आएगा OCl। और ये OCl आयन जो है वो पूछेगा किस एसिड से बना होता है, तो आपको पता है HOCl। और इस एसिड का एनहाइड्राइड क्या होता है? Cl2O। क्योंकि आप एनहाइड्राइड का मतलब होता है पानी निकालना। पानी निकालना मतलब दो अगर वाटर मॉलिक्यूल इसमें होंगे और H2 अगर इससे बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? ये Cl2O, तो ये एनहाइड्राइड है। तो जेई एडवांस में ही सवाल आया हुआ है और वो सवाल यही था कि ब्लीचिंग पाउडर का उस एनायन का नाम बताओ जिसका एसिड बनने पर जो एनहाइड्राइड है वो क्या है। तो आंसर गया था, इंग्रेडिएंट था OCl माइनस, उसका एसिड था HOCl, और HOCl का एनहाइड्राइड कौन था? Cl2O। तो ये एडवांस का एक सवाल तो आप ऐसे ही कर लोगे, ठीक है। अब बात आती है इसकी प्रिपरेशन की। अब प्रिपरेशन की बात करते हैं तो सिंपल है प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं है। Cl2 गैस जो होती है उसको स्लैग्ड लाइम में, किसमें? Cl2 गैस को स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है स्लैग्ड लाइम में, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम रिएक्शन करवाएं, 40 डिग्री, ठीक है, तो आपके क्या बनता है? CaOCl और Cl, ये आपका ब्लीचिंग एजेंट होता है, प्लस पानी निकल जाएगा, वाटर, ठीक है। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन हो गया, ठीक। प्रिपरेशन के बाद अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है कि ऑन लॉन्ग स्टेंट, यानी कि आप इसको थोड़ी देर लंबे समय तक अगर छोड़ दें तो लंबे समय तक छोड़ने पर ये तुरंत ही टूट जाएगा। क्लियर? क्या बोला जल्दी बताओ? मैंने लंबे समय तक इसको रखें तो ये टूट जाएगा। चलो बताओ किस में टूटेगा, सोच के बताओ फटाफट। बोलो किस में टूटेगा जल्दी। ये तुरंत टूट जाएगा, इसका नाम बोलो, कैल्शियम। इसका इसका खुद का नाम क्या होता है बताओ? अगर आप इसको देखो तो ये OCl होता है। अगर आपको याद होता है HCl का एसिड होते थे HOCl, HClO2, HClO3, HClO3 का एक नाम होता था क्या? क्लोरिक एसिड। तो ये क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोरेट। किसमें टूट गया? कैल्शियम क्लोरेट। कैल्शियम क्लोरेट के अंदर अगर हम बात करें तो ये आपका कैल्शियम क्लोरेट और ये आपका CaCl2। किसमें टूट गया? ये कैल्शियम क्लोरेट और CaCl2। किसमें टूटा जल्दी बताओ? कैल्शियम क्लोरेट और CaCl2। लेकिन अगर इसी रिएक्शन की बात करें हम और इसके अंदर जो है वो कोबाल्ट क्लोराइड, ये कोबाल्ट क्लोराइड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है। ये रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि एस ब्लॉक की शीट में यहां पर एक्स प्लस वाई रिएजेंट पूछे गए हैं। एस ब्लॉक की जब आप शीट सॉल्व करेंगे तो उसमें ये होगा कि ये जो कंपाउंड है एस ब्लॉक एलिमेंट का एक कंपाउंड है, अगर ध्यान दो तो कैल्शियम एस ब्लॉक होता है, ये कोबाल्ट क्लोराइड है, और ये कोबाल्ट क्लोराइड यहाँ कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, और कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ टूटने पर एक्स प्लस वाई बनेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि एक्स प्लस वाई जो है वो क्या है, ठीक है। तो आंसर बताओ फटाफट क्या है? तो ये एक्स प्लस वाई आएगा यहां पे टूट के CaCl2+O2, ये तो CaCl2+O2 बनता है इसकी रिएक्शन से। क्लियर सबको? अगला देखो, अगर आप इसको वापस से पानी में डाल दे तो क्या होगा? अगर आप इसको पानी में डाल दें तो पानी में डालने पर ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा? सोचो, क्या CaCl2 बाहर आएगा? क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाहर आएगा? मतलब क्या बाहर आएगा आप सोच के बताओ। चलो A+B और C अगर ऐसे कुछ लिख दे
तो आप बताओ क्या होगा, पानी में डाल दे तो इसको, पानी में डालने पर क्या बनेगा जल्दी बताओ है? क्या सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो क्या? अरे जोर से भाई, ए भाई जोर से बोलो, पानी में डाल दिया तो क्या बनेगा? अरे वही बनेगा जो पहले था, किससे बनाया था आपने ये? सीएल टू का इसमें पास किया था तो ये बन गया था, इसको वापस पानी में डालोगे तो वही आपका स्लेट लाइम और सीएल टू बन जाएगा, ठीक है? अब इसके अंदर क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन है, ठीक है? रिएक्शंस की बात करें, नेसेंट ऑक्सीजन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये H2S, ठीक है? अगर H2S की रिएक्शन कराए तो मैंने एक रिएक्शन आपको पहले बता दी थी H2S के खास, कि अगर कभी भी मेटल सल्फाइड होगा तो मेटल सल्फाइड तो मेटल सल्फेट में जाएंगे, लेकिन अगर H2S होगा तो वो सल्फर में जाएगा। अब जरा इसका मैकेनिज्म आप समझ लो, अगर आपको समझ में आ जाए तो रिएक्शन बहुत ईजी हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। देखो इसको ध्यान से देखना, मैं थोड़ा और बड़ा बड़ा लिख देता साफ साफ, ये अगर आप ध्यान से देखो तो ये मेन पार्ट है इसका ऑक्सीजन, ठीक है? ये करेगा इससे रिएक्ट, ध्यान से देखना, ये मैं ले गया यहाँ पे, ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, सल्फर में, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ? सिंपल है, ये गया, ठीक, ये ओ है ना, ठीक आया ना, ये गया और ये H+ से रिएक्ट करेगा, तो ये बनेंगे आपस में क्या, H2O, और साथ में ये C और Cl, Cl, Cl मिलके क्या बनाया, CaCl, ये रिएक्शन होगी। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने, सिंपल है कि नहीं है? H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, समझ में आया? सिंपल। और एक बात याद रखना हमेशा कि H2S के साथ जब भी रिएक्शन होगी तो H2S के साथ रिएक्शन के अंदर हमेशा सल्फर बनता है। अब अगर मैं इसी की रिएक्शन में साइड में, ये तो कांस्टेंट है, चलता रहेगा, साइड में एकदम FeSO4, ठीक है? और FeSO4 का एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन कराएं, कौन से मीडियम में, एसिडिक मीडियम, तो अब सोच के बताओ क्या होगा। जैसे वापस लिख देता हूं मैं ये कि CaOCl प्लस FeSO4, मीडियम एसिडिक लिया हुआ है, अब रिएक्शन में क्या होगा, ये तो पता ही है कि यहां से उठा के इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही करेगा वो, ये तो Fe2SO4 होल थ्राइस बन गया प्लस। अब आपको ये देखना है यहां पर कि क्या बना होगा, ये बोलो, ये बचा हुआ क्या होगा, CaCl2 आया ना, आया ना, और मीडियम एसिडिक आप ले ही रहे हो, अगर आप H2SO4 लेते हो तो H2SO4 के साथ H2O बाहर आ जाएगी उधर, मीडियम में अगर आप एसिडिक में ये लोगे तो साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, H2O। इसी तरह से अगर मैं बात करूं इसकी CaOCl, Cl प्लस, अगर मैं यहाँ KNO2 ले लूं तो अब आप खुद बताओ क्या बनेगा, वापस से ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगी, KNO3 बना देगी इसको, तो प्लस CaCl2 बना, आया ना। इसी तरह से अगर मैं CaOCl प्लस KNO2 के बाद अगर मैं यहां पर लेता हूं KI प्लस HCl, रिएक्ट करा के बताएं, अगर वापस ये ऑक्सीजन I माइनस को तो ले जाएगी I2 में, KCl से रिएक्ट करके बचा लेगा KCl, और ये साथ में साइड प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा CaCl2। लेकिन अगर यहां पर अपन ने क्या ले लिया, मीडियम चेंज कर दिया और KI के साथ एसिडिक एसिड ले लिया, तो फिर से वही होगा, ये तो बनेगा I2, ठीक है, आई से रिएक्ट करेगा I2, CaCl2 तो ऐसा का सही था, K किस से रिएक्ट कर लेगा, एसीटेट से, तो पोटेशियम एसीटेट बन जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा CaCl2। ये समझ में आ रही रिएक्शन है, सिंपल है, बोलो आया ना, क्लियर। एक की पॉइंट आपको मैंने पहले भी बताया था, मैं कई बार बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं कि अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन होती है तो अमोनिया के साथ कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए हमेशा वो कौन सी गैस देता, N2। बस अमोनिया O2 के साथ रिएक्ट करके ही NO देगा, एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सी गैस, N2, बस अमोनिया के साथ ही O2 ही आएगा तो ही NO देगा, बाकी सब में N2। तो अगर मैं अमोनिया की रिएक्शन CaOCl से कराऊं, ये ऑक्सीजन तो फिर से जाएगा यहां पे, तो क्या बनाएगा वो, तो N2 प्लस CaCl2 प्लस H2, हाँ है ना, पक्का? तो आप देख सकते हो ये रिएक्शंस आपके समझ में आ रही है, सिंपल सिंपल है, बोलो हाँ, तो बोल दिया करो यार। और अगर मैं इसकी RC नाइट से करा दूं,
तो ये वापस ऑक्सीजन निकल जाएगा इसमें से और क्या बना देगा ये एन एच एस ओ फोर सी सी एल टू। अगर मैं एसिडिक मीडियम लूंगा तो वो H2 आ जाएगा। हाँ या ना बोलो, क्लियर? तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। वो जो ऑक्सीजन होती है ना, देखो इधर वापस आप जाके घर पे देखना, ये ब्लीचिंग पाउडर यहाँ लिखा होगा ऐसे, ठीक है? इस ब्लीचिंग पाउडर के अंदर ये बीच में जो ऑक्सीजन है आपको कुछ नहीं करना, ये जो ऑक्सीजन दिख रही है ना, इस ऑक्सीजन को उठा करके उससे रिएक्ट करा दो, जो भी दिख रहा है उसको ऑक्सीडाइज करा दो और जो बचा CaCl2 है वो साइड में निकाल दो। सिंपल रिएक्शन से कुछ भी नहीं करना। तो H2S से क्या बना? सल्फर। अपना जो FeSO4 से क्या बना? Fe2SO4 होल थ्राइस। अपना जो है वो Ki से क्या बना? I2। Ki से अगर एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में लिया तो I2 और वहाँ पोटेशियम एसिटेट। HCl लिया था तो KCl और अगर आर्सीनाइट लिया तो आर्सीनेट। ऑक्सीडेशन हो गया कंप्लीट, क्लियर? अब ये अगर एसिड से रिएक्शन करा दें हम इसकी, ये अगर एसिड से कराए तो देखो ये ऑक्सीजन है, सीएल माइनस, इसको उठा के कहां फेंक देगा? Cl2 में। साथ में क्या बन जाएगा? ये CaCl2 प्लस H2O। HCl एसिड से रिएक्शन कराई तो अब सोच के देखना, अगर मैं यहां पर इसकी रिएक्शन H2SO4 से करा दूं तो क्या बनेगा? CaSO4 तो पक्का है ही सी, साइड प्रोडक्ट बताओ क्या क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, सोचो। देखो इसका मतलब इसको ऑक्सीडाइज तो किया ही नहीं इसने, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट ये वाला सीएल माइनस है, तो इसको उठा के Cl2 में ले जाएगा और बचा वो एच है, उससे रिएक्ट करके पानी बना देगा। आया ना? बोलो, ध्यान देना इधर, क्योंकि कंफ्यूजन आएगा। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको तो कहीं कर नहीं सकता कुछ भी, तो ये ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, इसलिए कैल्शियम प्लस 2 है, ये भी ऐसा कैसा पड़ा रहेगा, तो ये तो CSO4 बना देंगे। ये इसको रिड्यूस करेगा, सॉरी इसको ऑक्सीडाइज करेगा Cl2 में और ये फिर एच प्लस से रिएक्ट करके H2 बना देगा, ठीक है? तो अगर एसिड से रिएक्शन आती है तो एसिड से रिएक्शन भी हम कर सकते हैं, क्लियर? H2SO4 से कराओ या HCl से कराओ एक ही बात है। अब अगर यही रिएक्शन हम किससे कराएं? CO2 से, तो ये ऑक्सीजन जो है वो फिर से इससे रिएक्ट करके Cl2 बनाएगा। अब ये ऑक्सीजन -2 में गया, H तो है नहीं, H नहीं है तो रिएक्शन किससे करेगा? अब तो वो इससे जुड़ जाएगा, इसलिए क्या बनाएगा? कार्बोनेट। और कैल्शियम खाली पड़ा हुआ है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो रिएक्शन अपने आप हो गई। दोबारा देखो, ये ऑक्सीजन था, इसने इसको Cl2 में ले गया, ये बचा हुआ पड़ा हुआ है, कोई है नहीं इसके पास, इसलिए इससे रिएक्ट करके कार्बोनेट बनाया, कार्बोनेट ने इससे रिएक्ट करके CaCO3 बना दिया, ठीक है? तो ये ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शंस भी हो गई। अब अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो उसमें एक नोट करके लिखा हुआ था Cl2O4, ये मैंने कल भी बता दिया था, वैसे फिर भी एक और बात बताता हूं, ये डाइमर ऑफ ClO2 नहीं है, नॉट, ये क्या है? क्लोरीन पर क्लोरेट। इसका नाम क्या है? क्लोरीन पर क्लोरेट, क्लोरीन पर क्लोरेट। ClO2 का डाइमर नहीं होता है, ClO2 में डाइमर नहीं होता, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था, ClO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है, इसलिए उसमें लीस्ट टेंडेंसी होती है डाइमर की, वो डाइमर नहीं बनाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ClO2 में केमिकल बॉन्डिंग में जाना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स पढ़ाया था, उस ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर बताया था कि ClO2 डाइमर नहीं बनाता है, क्योंकि उसमें ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर सबको? अगला, इसका नाम क्या है फिर? ये Cl2O4 जो दिख रहा है, क्लोरीन पर क्लोरेट। क्लोरीन पर क्लोरेट क्या है बताओ? क्लोरीन पर क्लोरेट, क्लियर? इसके बाद अपना आता अगला HCl। अब HCl की प्रिपरेशन करें तो टेस्ट विद एसिड अगर याद हो तो देखना इधर, Cl- में अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो क्या बनता है? HCl, क्योंकि Cl- की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ज्यादा है, वो आगे मतलब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रेडॉक्स नहीं देता, इसलिए Cl2 नहीं बनता था। ये चीज हमने सॉल्ट एनालिसिस के अंदर भी पढ़ी थी,
और कहां पड़ी थी, हेलोजन के टेस्ट जब चल रहे थे सीएल माइनस का, तो आपको याद भी होगा टेस्ट विद एसिड कराया था, सीएल माइनस में कंसेंट्रेट H2SO4 डाला था तो HCl की व्हाइट फ्यूम्स आई थी। तो यहां पर अब से रिएक्शन कराएंगे, अगर अपन 420 केल्विन पे अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास यहां बनता है NaHSO4 प्लस HCl, और अगर यही NHSO4 वापस इस NaCl से रिएक्ट करता है 823 पे तो आगे रिएक्शन हो जाती है और Na2SO4 प्लस HCl बना देता है। HCl की बात करते हैं तो HCl एक कलरलेस गैस है, व्हाइट हो या कलरलेस एक ही बात बोलते हैं हमारे यहाँ पे, ये पता है आपको, कलरलेस गैस होता है, सिंपल है, और पंजेंट स्मेल होता है। क्या बोला था मैंने, कलरलेस गैस है और पंजेंट स्मेल है। ये जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका 189 केल्विन और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 159 केल्विन। इजीली लिक्विफाइड है ये, ठीक है, इजीली लिक्विफाइड है, आसानी से लिक्विडफाई हो जाता है, 189 इसका बॉइलिंग पॉइंट पाया जाता है और ये फ्रीजिंग पॉइंट 159 है। और ये जब फ्रीज होता है तो व्हाइट सॉलिड्स की फॉर्म में फ्रीज होता है, मतलब जैसे आइस टाइप से होते हैं ना वैसे व्हाइट कलर का सॉलिडिफाई क्रिस्टल बनेगा जब आप इसको फ्रीज करेंगे 159 केल्विन पे। क्लियर सबको, आया ना, बोलो क्लियर सबको। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया क्या पानी में सोल्यूबल है, तो आंसर क्या है, यस रेडिली सोल्यूबल हो जाता है पानी में, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत हाई पाया जाता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत हाई पाया जाता है, इसलिए ये H+Cl- में चला जाता है। आया ना, नहीं आया समझ में, बोलो। तो पानी में सोल्यूबल है कि नहीं है, है, एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वॉटर। क्या बोला, एक्सट्रीमली सोल्यूबल इन वॉटर। अब पानी में डिसोसिएट हो जाता है H+Cl में आसानी से चला जाता है और इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये NH4Cl बनाता है और ये NH4Cl का आपको पता है व्हाइट फ्यूम्स पाया जाता है। ये टेस्ट विद अपन ने पढ़ा भी था कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं HCl की, तो अपन ने पढ़ा था कि अगर टेस्ट ट्यूब में मान लो एसिड डाला HCl बाहर निकलती है तो हम पहले से एक ग्लास रोड पानी में डुबो के सॉरी अमोनिया में डुबो के यहाँ रखते थे तो ये HCl इस अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बना लेती थी, बोलो NH4Cl की व्हाइट फ्यूम। अमोनिया के लिए भी उल्टा इसका आइडेंटिफिकेशन करते थे कि अगर मान लो अमोनिया बाहर निकल रही है तो हम HCl लेके आ जाते हैं टेस्ट ट्यूब के ऊपर और रिएक्ट करता है तो क्या हो जाता है, बोलो NH4Cl की व्हाइट डेंस फ्यूम्स। क्लियर सबको। अच्छा, HCl एक एसिड है, एसिड है तो नो डाउट क्या होगा, रिएक्ट करेगा किससे, सॉल्ट से। अब ये सॉल्ट जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये आप खुद सोच के बताना, ऐसा नहीं लग रहा है डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl है तो आपको पता है सारे के सारे आयन्स हैं और ये आयन सारे फर्स्ट ए के हैं, मतलब सब ग्रुप ए के, क्लास ए के, और आपको पता है सबके अंदर जब से ऐसे एसिड डालते हैं तो आपके कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। तो जैसे आप इसको एसिड डालेंगे तो कौन सी गैस निकलेगी, यहां CO2, यहां भी कौन सी निकलेगी CO2, यहां कौन सी निकलेगी SO2 और बाकी सबसे Cl- Na से रिएक्ट कर लेगा तो साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, NaCl और NaCl। तो रिएक्शन भी हो गई इसकी, ठीक है। इसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है HCl का और वो क्या आता है, जरा देखना, ये रिएक्शन समझ में आ गई थी ना टेस्ट विद एसिड से, ठीक है। हाँ, एक्वारेजिया, क्या बोलते हैं इसको जल्दी बताओ, एक्वारेजिया। क्या एक्वारेजिया जो होता है वो 3 HCl + 1 HNO3 होता है और रिएक्शन करके वो NaCl + Cl + H2 बनाता है। ये Cl जो होती है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। एक्वारेजिया का जो कलर होता है वो येलो ऑरेंज होता है, क्या होता है, येलो ऑरेंज होता है, क्या होता है, येलो ऑरेंज, ठीक है। तो अगर आपसे बोले कि एक्वारेजिया का कलर बताओ भाई तो आप क्या बोलोगे, एक्वारेजिया का कलर बोलो ऑरेंज येलो या येलो ऑरेंज, एक ही बात है। दूसरी बात, कैसे बनता है बताओ, तो आपको बताया कि 3 HCl और 1 HNO3, दूसरी बात। तीसरी बात, एक्वारेजिया के अंदर आखिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो आप बोलोगे Cl है। एक्वारेजिया के प्रोडक्ट साइड में क्या आते हैं, तो NaCl + Cl आते हैं।
अब ये जो सीएल होती है इसका यूज आपको पता है सबको कि एक्वारेजिया जो है वो नोबल मेटल्स को डिजोल्व करने के काम आता है। नोबल मेटल्स को जब डिजोल्व करने के काम आएगा तो आपको याद है गोल्ड और प्लेटिनम का हम इससे डिजोल्यूशन करते हैं क्योंकि इससे साथ रिएक्ट करके ये कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूबल होते हैं। लेकिन यह इंटरेस्टिंग बात है कि एक्वारेजिया जो होता है वो एक्वारेजिया सिल्वर को डिसॉल्व नहीं करता, डज नॉट डिसॉल्व। श्रेयस जीना, आपने ये डाउट पूछा था व्हाट्सएप ग्रुप पे, याद करो। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता हूं, दोबारा चेक करना। श्रेयस जीना ने पूछा था कि एक्वारेजिया में एजी डिसॉल्व क्यों नहीं होता। मैंने उसका आंसर लिख के दिया था कि जब एजी रिएक्ट करता है तो एजी सीएल बनेगा, और एजी सीएल जो बनता है उस एजी सीएल की लेयर बन जाती है सिल्वर के ऊपर चारों तरफ, प्रोटेक्टिव लेयर जो आगे रिएक्ट ही नहीं करने देती उसको, ठीक है। और एजीसीएल खुद इनसोल्यूबल है पानी में। दोबारा से बोलना, एजी एक्वारेजिया से रिएक्ट करके क्या करेगा, अपने ऊपर एजीसीएल की प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगा, और वो प्रोटेक्टिव लेयर जब बनेगी तो वो प्रोटेक्टिव लेयर ही रह जाएगी, फर्दर रिएक्ट नहीं करने देगा उसको, और वो एजीसीएल इनसोल्यूबल है, तो एजीसीएल इनसोल्यूबल ही रह जाता है एजीसीएल पानी में भी और एक्वारेजिया में भी। क्लियर सबको? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि सिल्वर क्यों नहीं डिजोल्व होता जबकि गोल्ड और प्लेटिनम डिजोल्व हो रहे हैं। आया ना? दोबारा से बोलूं, प्रोटेक्टिव लेयर बना, शीट वीट में कहीं लिखा हुआ नहीं है इसलिए नोट कर लेना, इसको लिख लेना। और ये सवाल आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल मेटल डजंट डिजोल्व इन एक्वारेजिया, आंसर है सिल्वर, ए जी। क्लियर? रीजन आपसे पूछे तो क्या दोगे, डिजोल्व क्यों नहीं, क्योंकि अपने ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है किसकी, एजीसीएल की, और वो फर्दर रिएक्ट नहीं करने देता इसलिए वो सॉल्युबल नहीं हो पाता इसमें, ठीक है। तो ये भी आपकी बात खत्म हो गई। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना? सिंपल है। अब देखो आगे, क्लियर? अब इधर देखो मेरी तरफ। अब इसके एससीएल के यूज की बात करें तो एससीएल आपको सबको पता है किस में यूज होगा, तो सीएल टू के लिए, क्योंकि एससीएल में रिएक्ट करा दो सीएल टू बन जाती है तुरंत, डेकेंस प्रोसेस पिछली क्लास में भी पढ़ा था। दूसरा एनएच फोर सीएल के भी प्रिपरेशन में काम आता है, अभी पढ़ा था, अमोनिया से रिएक्ट करा दो एनएच फोर सीएल बन जाएगा। तीसरा एक और होता है ग्लूकोज बनाने के लिए, कॉर्न स्टार्च जो होता है उससे हम ग्लूकोज बनाने में इसका यूज करते हैं। तो पहला इसका यूज आप बोल सकते हो, तो आपसे पूछेगा तो सीएल टू प्रिपरेशन में, एनएच फोर सीएल प्रिपरेशन में, और दूसरा तीसरा आपका बोलो कॉर्न स्टार्च से ग्लूकोज बनाने में। दूसरा होता है इसका यूज फॉर प्यूरिफाइंग, या यूं कहो कि एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लू फ्रॉम बोन्स, बोन्स में से ग्लू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है, और प्यूरिफाइंग बोन ब्लैक। अब ये बोन ब्लैक क्या होता है सर, इसको समझना जरूरी है। बोन ब्लैक कुछ भी नहीं, कार्बन का एक सॉलिड क्रिस्टल होता है ना, इस मतलब इसको पहले जलाया जाता है खूब सारा, रेडिश करके पूरा जला लेते हैं, जलाने के बाद जो बोन्स होती हैं उस बोन में से जो ब्लैकिश कार्बन पार्टिकल निकलते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं डिजोल्व करके एससीएल में, तो इसको कहा जाता है फॉर प्यूरिफाइंग, ठीक है ना, बोन ब्लैक। इसके बाद आपको पता है लेबोरेटरी रिएजेंट में भी काम आता है, और मेडिसिन में भी इसका यूज किया जाता है एससीएल का। किस में यूज किया जाता है? मेडिसिन में और लेबोरेटरी रिएजेंट में। अब जो एससीएल की सबसे खास बात होती है वो खास बात पता है क्या है, कि HCl एक एसिड है, आया ना, ये हमारे पेट में भी होता है अगर आपको पता हो तो। और पेट में ये क्या काम करता है आपको पता है, पेट के अंदर हमारे जो फूड हम खाते हैं उस फूड को डाइजेस्ट करने के भी काम आता है, इसका बायोलॉजिकल यूज है। जो हमारा स्टमक होता है उस स्टमक के अंदर खूब सारा HCl भरा होता है, और इसी वजह से जब कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको नाम सुना अल्सर वर्ड आता है, अल्सर वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब हमारे पेट में कभी कभी कोई स्किन हट जाती है तो HCl जो है उसको, क्योंकि एसिड है HCl वो उससे टच कर रहा था जिसकी वजह से क्या होता है जलन होने लगती है, ठीक है। तो HCl का एक काम हो गया हमारे बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट भी कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है जल्दी बताओ, फूड डाइजेस्ट, ठीक। अब एक खास बात होती है कि वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक जो है, क्या बोला, इसको समझना क्योंकि डाउट आएगा इसके अंदर, वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करने के भी काम आता है, या ब्लीच करने के भी काम आता है, ब्लीच बोल सकते हैं, ब्लीच करने के भी काम आता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अब आप सोचोगे साला एससीएल कैसे ब्लीच कर सकता है, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसीलिए एक लाइन बोली उसने मॉइस्चर, क्योंकि एससीएल पानी से रिएक्ट करेगा तो आपका एचओसीएल के अंदर जाएगा वो मॉइस्चर में, और एचओसीएल में जो ऑक्सीजन है वो ब्लीच करेगी, ठीक
ठीक है, तो मॉइस्चर की प्रेजेंस में HOCl बनने से वो जो आपका O आएगा वो O इसको ब्लीच करने के काम आता है, और आपको पता है कि इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है, इसका ब्लीचिंग एक्शन परमानेंट होता है, इसका ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, परमानेंट। क्लियर, चलो तो HCl भी समाप्त हो गया। इसके बाद आपका आता है इंटर हेलोजन, क्या आता है, इंटर हेलोजन। चलो अब इंटर हेलोजन क्या होते हैं सर, बहुत इजी है, इंटर हेलोजन दो हेलोजन, दो या दो से ज्यादा हेलोजन मिलकर के जब कोई कंपाउंड बनाएगी तो उसे इंटर हेलोजन कहा जाएगा, दो या दो से ज्यादा, ठीक है, हेलोजन मतलब दो टाइप की हेलोजन उसके अंदर होनी चाहिए, दो टाइप की, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो इनका कॉमन फॉर्मूला बोला जाता है एक्स एक्स डैश, एक्स एक्स डैश थ्री, एक्स एक्स डैश फाइव, एक्स डैश सेवन। क्लियर, तो ये आपके इंटर हेलोजन कहे जाते हैं। तो इंटर हेलोजन होती है जब दो टाइप की हेलोजन आपस में मिलकर के कोई कंपाउंड बनाती है तो उस कंपाउंड का नाम इंटर हेलोजन कहा जाता है, और इंटर हेलोजन को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस रिप्रेजेंटेशन में ये जो एटम होगा इसका साइज हमेशा क्या होगा, बिग यानी लार्ज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी इसकी, लेस। ये जो एटम होगा वो साइज क्या रखेगा, स्मॉल, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो क्या होगी, हाई। ठीक है, इस तरह के जो इंटर हेलोजन होते हैं वो जनरली ब्रोमीन और आयोडीन सेंट्रल एटम हो तभी बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे हेलोजन अपने पास जोड़ दें, बहुत सारे हेलोजन तभी जुड़ेंगे जब सेंट्रल एटम जो होगा वो सेंट्रल एटम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि वो तभी जोड़ सकता है, और ये तभी बनेंगे इसके साथ जब ये फ्लोरीन हो, क्या हो, फ्लोरीन। इसीलिए कभी कभी हम बोलते हैं ना CLF7, तो CLF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि यहां पर ये साइज जो है वो क्या होता है, ब्रोमीन या आयोडीन के साथ ही बन सकते हैं, ये वाले इसके साथ नहीं बनेंगे। तो आपने एक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डाउट भी आता था, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, तब आपके CLF7 उसमें ऑप्शन था, किसी बच्चे ने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला भी था ये कि VI3CLF7, ये दो ऐसे मॉलिक्यूल थे जिसमें कंफ्यूजन आया था, मैंने फोन पे बताया भी था उसको डाउट ये। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको, आया ना, तो CLF7 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता ये समझ में आ गया, क्योंकि इट इज अ इंटर हेलोजन, इंटर हेलोजन में सेवन वाला तभी बनेगा जब यहां पर ब्रोमीन या आयोडीन होगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने आयोडीन ही पढ़ा है, IF7, आया ना, बोलो। चलो तो ये इंटर हेलोजन की बात कर रहे थे अपन, वापस कंटिन्यू। तो इंटर हेलोजन में ये समझ में आ गया आपको कि इसका साइज बड़ा होगा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा। जैसे एग्जांपल अपन लेते हैं इसका ICL, तब ICL में देखो आयोडीन का साइज बड़ा है, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे कम है, और ये CL है, इसका साइज जो है वो क्या है, छोटा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं, तो प्रिपरेशन अगर हम बात करें तो बताओ Cl2+F2 अगर मिलाएं तो Cl2+F2 के अंदर आप देखो क्या बनेगा, बोलो, 473 केल्विन पर अगर हम बात करें तो CLF बन जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर Cl2 की जगह F2 ज्यादा कर दें मान लो, और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दें, तो ये CLF3 बन जाएगा। ठीक है, बढ़ा दो, तो इसी तरह से सेम अगर यहां पर मैं क्या करूं, I2+Cl2 कर दूं तो ये ICL बन जाएगा, और अगर I2+Cl2 एक्सिस में लगा दूं यहां पे तो ये ICL3 बन जाएगा। सेम ऐसे कैसे Br+F2 कर दूं, ठीक है, 3, तो BrF3 बन जाएगा, और अगर ब्रोमीन प्लस 5F2 कर दूं तो BrF5 बन जाएगा, आया ना। ठीक, तो ये पर्टिकुलर वाला जो होता है वो सिर्फ आयोडीन के साथ ज्यादा एग्जिस्ट करेगा, IF7। क्लियर, तो इंटरहेलोजन समझ में आया कुछ कुछ। क्लियर, अब इंटर हेलोजन्स की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो इंटर हेलोजन्स जो होते हैं वो सारे के सारे डायामैग्नेटिक होते हैं। क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक, क्या, डाया। जैसे अगर मैं बात करूं ICl, अब आप सोचो खुद ही यहां क्या आएगा, प्लस और या माइनस, क्या कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा, नहीं, तो कैसे होंगे ये, डायामैग्नेटिक, और कोवेलेंट भी है।
देखो आप कोवेलेंट बॉन्ड है तो यार जितने भी इंटर हेलोजन्स हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट भी होते हैं और डायमैग्नेटिक भी होते हैं। ठीक, पहला स्टेटमेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये सारे के सारे जो है वो अगर अपन बात करें इनकी फिजिकल स्टेट की बात कर रहा हूं तो वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड होते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड, वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड होते हैं सभी एक्सेप्ट CLF। CLF क्या होता है? गैस। CLF क्या होगा? गैस। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है रूम टेम्परेचर पे, अभी क्या बताया मैंने, वोलेटाइल सॉलिड और लिक्विड होते हैं, रूम टेम्परेचर आप सबको पता है 298 केल्विन, और एक CLF आपका क्या होगा यहाँ पे? गैस। अब अगर हम बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी जनरली इनकी जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं या कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो जनरल होगी वो इंटरमीडिएट होगी, जैसे ICL है सपोज, तो वो इंटरमीडिएट होगी इन दोनों हेलोजन्स के बीच की, मतलब आई और सीएल के बीच के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी लाई करेगी एक्सेप्ट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनके हायर होते हैं और वो मैंने पढ़ाए थे वीक फोर्स में। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बोलो? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं जल्दी बोलो? हायर। क्यों होते हैं? ये मैंने आपको कहां बताया था, जैसे मैं एग्जांपल भी यही ले लेता हूं, Br2 ये आपका नॉन पोलर होगा, नॉन पोलर होगा तो इसमें LDF लगेगा, ये पोलर होगा तो इसमें आपका डाइपोल डाइपोल लगेगा। तो आपको याद होगा आपने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में क्या बोला था, इसका ज्यादा होगा। तो इंटर हेलोजन जो भी होंगे उनका जल्दी बोलो, इंटर हेलोजन जो भी होंगे उनका उनका हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जनरली ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे? हैलोजन से, क्योंकि इनमें पोलेरिटी आती है। क्या बोला? जनरली ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे? हैलोजन से। क्यों? क्योंकि ये पोलर होते हैं और पोलर होने की वजह से इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है और ये हमेशा हैलोजन से ज्यादा होंगे एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन आपको पता है ये सबसे ज्यादा रिएक्ट होता है, सबसे ज्यादा रिएक्ट होता है क्यों? क्योंकि ये अंधेरे कमरे में भी रिएक्शन कर लेता है, ये अंधेरे कमरे में भी रिएक्शन कर लेता है। दोबारा बोलो, अंधेरे कमरे में भी बोलो रिएक्शन कर लेता है, इसलिए जल्दी बोलो, अंधेरे कमरे में भी रिएक्शन कर लेता है इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इंटर हेलोजन की रिएक्टिविटी जनरली हेलोजन से ज्यादा होती है एक्सेप्ट फ्लोरीन। उसके बाद हम बात करते हैं इनके हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था अगर याद हो तो, और नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा सा फिर बता देता हूं। ये आप देखो एक्स एक्स डैश, इसको अपन ऐसे भी ले लें अगर कि ICL, तो ये आई प्लस प्लस सी एल माइनस होगा। हाइड्रोलिसिस का एक की पॉइंट मैंने बताया था, जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा या सेंट्रल एटम उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनेगा? एसिड। तो आई प्लस वन में है तो प्लस वन वाला एसिड क्या होता है? HOI प्लस, अब ये सी एल बचा तो HCl, तो इंटर हेलोजन बना दिए। इंटर हेलोजन का हाइड्रोलिसिस जो होगा उसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया क्या, कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वही एसिड बनेगा, तो ये आ गया एसिड। तो इसमें एक खास बात होगी कि इंटर हेलोजन के हाइड्रोलिसिस में ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड दोनों एक साथ बनते हैं। इंटर हेलोजन में जल्दी बताओ ऑक्सी एसिड और हाइड्रा एसिड्स जल्दी बताओ एक साथ बनते हैं, हाँ या ना? सिंपल है, ये आपका इंटर हेलोजन भी समाप्त। अगला है स्यूडो हेलोजन। कौन है ये? स्यूडो हेलोजन। अब स्यूडो, स्यूडो एक ऐसा वर्ड होता है, इसका मतलब होता है जो चीज नहीं होती लेकिन फिर भी दिखाई देती, मतलब उसकी तरह दिखती है, मतलब जो नहीं है, आप समझ रहे हो, आपको डुप्लीकेट जिसे कहते हैं। स्यूडो हेलोजन का मतलब होगा ऐसा कंपाउंड या ऐसा आयन जिस जो हेलोजन नहीं है लेकिन हेलोजन की तरह प्रॉपर्टी रखता है और उसमें कम से कम एटलीस्ट एक नाइट्रोजन होना चाहिए और वो यूनिनेगेटिव होना चाहिए। यूनिनेगेटिव मतलब -1, ये एक -2 वाला है, बाकी सारे के सारे -1 है। तो जनरली वर्ड इसलिए आता है कि जनरली स्यूडो हेलोजन उन्हें कहा जाता है जो एटलीस्ट एक नेगेटिव और एक नाइट्रोजन रखते हैं, उन्हें कहा जाता है। जनरली वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि यहां बाइवेलेंट है ये, इसके अंदर दो नेगेटिव है। ठीक है, इसका नाम होता है साइनेमाइड आयन। क्या नाम होता है? साइनेमाइड आयन। क्या? साइनेमाइड। ठीक, अब डेफिनेशन फिर से बोल रहा हूं, एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एक नेगेटिव होना चाहिए और वो हेलोजन्स की तरह प्रॉपर्टी शो करना चाहिए। जैसे मैं कहूं CN-, CN- मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन है। दोबारा बोलना, क्या बोला मैंने? CL- मोस्ट
कॉमन स्यूडो हेलोजन है, क्या बोला जल्दी बताओ, मोस्ट कॉमन स्यूडो हेलोजन है, क्यों, उसका रीजन देखो, हेलोजन्स के साथ ये प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, लाइक सी एल माइनस की बात करें तो सी एल माइनस सी एल टू बनाता है, ये भी सी एल टू बनाता है ऑक्सीडाइज होकर के सी एन होल टू, इसका एजी के साथ रिएक्शन करके एजी सी एल बनता है, ये भी एजी सी एन बनाता है, ये व्हाइट पीपीटी पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये भी व्हाइट पीपीटी पानी में सॉल्युबल नहीं होता, ये सी यू सी एल होल फोर माइनस टू एक कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ये भी आपका एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, सोडियम के साथ इसका कंपाउंड एन ए सी एल सॉल्युबल होता है, तो इसका भी सोडियम के साथ कंपाउंड सॉल्युबल होता है, तो ये आपका इंटर सॉरी स्यूडो हेलोजन्स कहलाती है, क्योंकि उसकी तरह प्रॉपर्टी शो करती है। अब जैसे आपसे एक सवाल पूछा उसने कि क्या आर सी ओ माइनस क्या ये स्यूडो हेलोजन है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, एक नाइट्रोजन और एक नेगेटिव चार्ज होना कंपलसरी है, ठीक है, पक्का, क्या ये स्यूडो हेलोजन है, नहीं ये स्यूडो हेलोजन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं है बताओ, इसके अंदर एक नाइट्रोजन नहीं है, हाँ या ना बोलो, ये वाला है क्या, हाँ है, इसको बोलते हैं फुल्मिनिक आयन, अगर इसमें H लगा दें तो ये फुल्मिनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, तो फुल्मिनिक एसिड फुल्मिनिक आयन क्या वो स्यूडो हैलोजन है, हाँ स्यूडो हैलोजन है, क्लियर सबको, ये आपका 17th ग्रुप भी समाप्त। ठीक है, चलिए।